हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको इंडियन कोर्स गार्ड सीट टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। एक मिनट जाना केवल। दोस्तों देखो, 25 तारीख को जिनका भी पेपर है वो कमेंट में जरूर आकर प्लीज़ बता देना कि पेपर आपका कैसा, कहाँ कितने क्वेश्चन बता देना, तो मैं तुरंत आपको उसी शिफ्ट पेपर का शिफ्ट करा दूंगा, जिससे कि 26-27 वालों को थोड़ा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 26-27 वाले जान जाएंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा था, कठिन था सरल था, किन टॉपिक से आया था ज़्यादा क्वेश्चन। तो 25 वाले प्लीज़ ऐसा कर लेना। और 26-27-28 वाले छात्रों ये भी ध्यान रखो, आप लोग भी कमेंट में बच्चों से कह देना कि जिनका भी 25 तारीख को पेपर प्लीज़ कमेंट में वो आंसर अपने बता दो क्वेश्चन आंसर, तो मैं उनको कमेंट का कलेक्शन बना लूंगा क्वेश्चनों का, तो मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन फिर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इतना छोटा सा काम कर देना, वो कहाँ किसका सेंटर गया वो आपस में डिस्कस कर लेना और हमें बताना कहाँ किसका सेंटर गया। ठीक है, चलो भाई, दिल्ली से कोहिनूर हीरा लूट कर कौन ले गया था? राइट ऑप्शन का क्या होगा? नादिर शाह यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? ठीक है, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? दूसरा नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट ऑप्शन मीथेन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर है, देखो क्या लिखा है, एक मिनट रुकना जरा, ऐसे सही है। अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में, तीसरे का सी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। ठीक है, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? चौथा नंबर प्रश्न है ए पार्ट, शिवाजी के जो पिता का नाम शाहजी भोसले था, इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए जरा? सिवनेर के दुर्गे में हुआ था। ठीक है, सिवनेर के दुर्गे में हुआ था, इसको थोड़ा याद कर लेना। पांचवा नंबर प्रश्न है, संस्कृत की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? पांचवा नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन का ए पार्ट हो जाएगा, पाणिनि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि थे। छठा नंबर प्रश्न दिया गया, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वैसे चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद होता है, अथर्ववेद, अथर्वेद, चार वेद होते हैं, वैसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद होता है। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में किस देवता की पूजा करते थे? तो इंद्र देवता की पूजा करते थे, इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, डूरन रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में होती है। कैस्पियन ये आपको कोई नहीं है, ठीक है, कैस्पियन कुछ नहीं, कैस्पियन सागर होता है, क्योंकि वो कैस्पियन की कोई वो रेखा वेखा नहीं है। ठीक है, हाँ ये पूछी आती है, रेडक्लिफ रेखा, ये अक्सर पूछ ली जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेडक्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न दिया गया है, गवर्नर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? आठवां नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन 35 वर्ष होती है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, चलो आठवां नंबर प्रश्न दिया 35 वर्ष, ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नवा नंबर प्रश्न दिया गया, देखो क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है, वैसे तो नौवे का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस नेताजी ने दिया था? बताइए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दसवें का बी ऑप्शन राइट है, महात्मा गांधी जी ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? 11 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट, गया में प्राप्त हुआ था। और ये कि स्वामी महावीर जैन धर्म की कौन से तीर्थ करते, जो आपके महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थ करते, तो याद कर लेना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 24वें तीर्थ करते। चलो अगला प्रश्न दिया गया, 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? 13 नंबर प्रश्न है, बी ऑप्शन पेरिस में। विक्रम संवत कब आरंभ हुई? 14 नंबर प्रश्न है, तो ए ऑप्शन 58 ईसा पूर्व। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइए? 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हीराकुंड बांध है। वैसे स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर है? 16 नंबर प्रश्न है, तो स्वर्ण मंदिर है जो आपका अमृतसर में, कहाँ पे है? अमृतसर में, इसको थोड़ा पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, चलो भाई ये कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो ध्यान से, ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और लाइक भी बिल्कुल नहीं करते। देखो अब लाइक, देखो आप लोग लाइक हम कहते नहीं कि वीडियो बीच में लाइक वाइक के बारे में नहीं कहते, क्योंकि आप लोग एग्जाम लगा तो टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, तो आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, बिहू किस राज्य का नृत्य है? 17 नंबर प्रश्न है भाई, ठीक है, तो राइट ऑप्शन का बी पार्ट, असम का है। असम नाम मतलब असम दिसपुर राजधानी है, और असम राज्य का नया नाम पड़ गया असम, वैसे असमी असम नाम पड़ गया लेकिन असम नाम से जानते हैं, वैसे कोई नाम वाम दिक्कत वाली बात नहीं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? 18 नंबर प्रश्न है, तो ए अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी लिख के आ सकता है, तो अरुंधति राय, ठीक वही बात है। रियो ओलंपिक 2016 में कि कुश्ती में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? 19 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का डी पार्ट, साक्षी मलिक। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो बताइए जरा खुद आप बताइए, 20 का सी ऑप्शन राइट है, विजयलक्ष्मी पंडित थी। भारत में कितने राज्य हैं बताइए? भारत में कितने राज्य हैं? 21 नंबर प्रश्न है, चलो आप लोग बताना, अच्छा भारत में कितने राज्य, क्योंकि अपडेट हुआ है, ठीक है, तो चलो 21 का बताना राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो शिमला समझौता, शिमला समझौता कब हुआ? ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ? 22 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन 1972 को शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, चलो भाई वर्तमान में बताना कितने राज्य भारत में। चलो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? 23 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन, मतलब अभिजीत बनर्जी को और अमर सेन को मिला था। वैसे ऑप्शन में अमर सेन लिख के आता है और अभिजीत बनर्जी लिख ही के नहीं आता उसमें, तो आप लोग बहुत लोग अमर सेन लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना
अभिजीत बनर्जी और अमर्त सेन दोनों को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, झारखंड की रांची कौन सी है? ये दोनों ऑप्शन राइट राइट है, ठीक है, ए बी। और झारखंड की रांची, सॉरी, झारखंड की राजधानी बता दी रांची, ठीक है। और 25 नंबर प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एक मिनट रुक जाइएगा। चलो भाई, आप लोग एक छोटा सा काम कर लेना, एक मिनट रुकना। एक आप लोग मतलब ये कि 25 तारीख जिनका पेपर हो, कमेंट में बताना कि मेरा ये क्वेश्चन आया, तो मैं आपको शिफ्ट पेपर को क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। और 25 का राइट ऑप्शन पहले से वैसे। दोस्तों ये कि देखो, वीडियो यदि अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ठीक है।